बाड़मेर के नांद गांव के रूपाराम पेशे से किसान हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा देश की सेवा के लिए धड़कता रहता था। सेना में भर्ती की तैयारी भी की, चयन भी हुआ, लेकिन पिता ने घर से दूर जाने नहीं दिया और पारिवारिक जिम्मेदारी का हवाला देकर रोक दिया। रूपाराम अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सके, लेकिन उनके दिल में देश सेवा का पैच लेकिन उनके दिल में देश सेवा करने का जज्बा हमेशा जिंदा रहा। इसी जज्बे के साथ उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश शुरू की। आज रूपा राम का एक बेटा एयरफोर्स में है, वही एक बेटी पवनी का हाल ही में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर चयन हुआ है। मेरा नाम पवनी, डॉटर ऑफ रूपा राम, मैं नाथ गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जी की शान है जो खेती करते हैं और मम्मी जी हाउसवाइफ है। एक्चुअली सपना तो मेरे पहले ही था, लेकिन मैंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं एनसीसी में आ गई थी। यहाँ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब अनुशासन वगैरह कैसे करना है, मतलब अनुशासन की डेफिनेशन हमने इस 3 साल के एनसीसी के 3 सालों में सीखी थी। और हमारे एक आदर्श हुए आदर्श डॉक्टर आदर्श किशोर जानी, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग 6 भाई बहन हैं और बड़े भैया तो वो एयरफोर्स में है और 2 बड़ी सिस्टर है वो ससुराल जाती है, और 2 छोटी सिस्टर है वो एक अभी कॉलेज सेकेंड ईयर में और एक अभी 12th में। मैं एक्चुअली एक मेरे पापा की पहले जॉब लगी हुई थी फौज में, दादाजी ने जाने नहीं दिया, मतलब डर के मारे कि ऐसे ऐसे होगा। तो फिर मेरे पापा का यही सपना था कि मैं नहीं जॉब ज्वाइन कर पाया तो लेकिन मैं बच्चों को मैं मतलब ऐसे स्ट्रगल खेती के बारे में कुछ ना करना पड़े तो मैं पढ़ा लिखा के कुछ बना सकूँ। अच्छा, यही सपना था पापा का। तो आज पूरा मैंने मतलब कॉम्पिटिशन की तैयारी 2020 BSc कम्प्लीट होने के बाद ही की थी। मेरा फर्स्ट एग्जाम राजस्थान पुलिस का था, उसमें असफलता हाथ लगी। सेकेंड एग्जाम रीट का था, रीट वो क्वालिफाई हो गए लेकिन थर्ड रीट मैं नहीं क्लियर कर पाई। और थर्ड एग्जाम ये भी दिल्ली पुलिस का था, उसमें सफलता हाथ लगी। रूपा राम की बेटी पवनी बताती है कि उनके पिता का सपना देश की सेवा का रहा है। उनका सपना भले ही पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज वो अपने बच्चों को इस काबिल बना रहे हैं कि अपने सपने को सच होता देख सके। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।